नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शराब पीकर युवतियों ने पब और पुलिस थाने में किया हंगामा। इंदौरा, रविवार को वाटर पार्क में गई दो लड़कियों ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान नशे में उनका लड़कों से विवाद भी हो गया और उन्हें पार्क से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वे रात पब पहुंची और एंट्री को लेकर जमकर झगड़ा किया और हाथापाई पर उतर आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें थाने लेकर चली गई। वहां भी उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसके बाद मेडिकल के लिए MY अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने भी अभद्रता कर डाला। आखिरकार देर रात पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच की बात कही। SI के मुताबिक विजयनगर पुलिस के अनुसार बटवा के MPEB कॉलोनी में रहने वाली श्रद्धा शर्मा ने दो लड़कों आदित्य बोहरा और अजय के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करवाया है। एक लड़की ने बताया कि वह पेशे से डिजाइनर है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में भी नारायण साई का आश्रम, यहां रहने वाली लड़कियों का आसाराम ने किया था रेप। आसाराम के बेटे नारायण साई को गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में दो बहनों से दुष्कर्म के मामले में सेंजन कोर्ट ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित नारायण साई के आश्रम की साधिका थी। उन्होंने नारायण साई पर आश्रम में ही रेप करने के आरोप लगाया था। पीड़िता का ये भी आरोप था कि नारायण साई की ओर से उसे और उसके पिता पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। नारायण साई और उसके पिता आसाराम के देश के कई राज्यों में आश्रम है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आश्रम में रह वाली नाबालिका लड़की ने आसाराम पर रेप करने का आरोप लगाया था और उसे भी सजा सुनाई गई थी। दरअसल छिंदवाड़ा स्थित आश्रम में नाबालिका का यौन शोषण करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके दो सहयोगी शिल्पी और शरद को भी 20 साल की सजा सुनाई गई थी। CGI गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला का जांच में शामिल होने से इनकार। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। शिकायतकर्ता महिला ने मंगलवार को कहा कि वह तीन जजों के हाउस पैनल की जांच में शामिल नहीं होगी। इस मामले की तीसरी सुनवाई मंगलवार को हुई है। इस दौरान महिला ने जांच में शामिल होने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिन रंजन गोगोई ने अक्टूबर 2018 में उनका यौन उत्पीड़न किया था। महिला अदालत में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर काम कर रही थी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।